शिवपुर में एक तरफ बाढ़ तो दूसरी ओर मच्छरों के आतंक से परेशान हो रहे लोग। आशा कार्यकर्ताओं के भरोसे चल रहा मलेरिया विभाग। शिवपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ एक तरफ लोग बाढ़ आपदा से परेशान बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर नगरी क्षेत्र में लोग मच्छरों के आतंक से परेशान है। स्थिति यह है कि रात तो रात, दिन में भी लोगों को मच्छरों के डंक से भयभीत बने हुए हैं। नगर के सभी वार्डों में इन दिनों स्थिति भयावह बनी हुई है, जहां हर वार्ड में मच्छरों की आमद से लोग हालाकान है। इतना ही नहीं, मच्छरों के दंश के चलते लोग बुखार से पीड़ित बने हुए हैं। वहीं मलेरिया विभाग द्वारा नगर में फॉगिंग से लेकर मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करने के बड़े बड़े दावे खोखले से धो रहे हैं। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के भरोसे चलने वाला मलेरिया विभाग मात्र दिखावा बना हुआ है। जहां वार्ड वासियों की माने तो मलेरिया विभाग द्वारा किसी भी वार्ड में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव नहीं कराया गया। यही कारण है कि आज वार्ड में मच्छरों की तादाद दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है। वहीं मलेरिया विभाग द्वारा मात्र तमाशाबीन बनकर नगर भर में बढ़ रही मच्छरों की आमद पर खोखले दावे किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात क्या होगी कि मलेरिया विभाग द्वारा मामले के संज्ञान के बाद मच्छरों के सफाए को लेकर क्या कुछ खास कदम उठाए जाते हैं। पत्रिका न्यूज चौपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? उस्मान खान। कौन से वार्ड के निवासी आप? वार्ड नंबर 4। कोई लरवा की टेस्ट की टीम आई है? लरवा टेस्ट किया हो? नहीं नहीं, कोई नहीं आई भैया। छिड़काव के लिए आई हो? स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया? कोई टीम नहीं आई है। आपका? अशफाक खान। कौन से वार्ड के निवासी? वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2। अभी कोई ऐसी टीम आई जिसने लरवा चेक किया हो मच्छरों वाला? नहीं, कोई भी नहीं आई साहब। ये कोई छिड़काव वाली कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं आई अभी। अभी तक कोई टीम नहीं आई आपके बोल? वार्ड नंबर 2 की बात। वार्ड नंबर 2। कीरत सिंह जी, स्थिति नगर की ये बनी हुई है कि इस वक्त मच्छरों के आतंक से लोग परेशान है और आपके विभाग के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि आपके यहाँ दवाई छिड़काव को लेकर के लार्वा चेक किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वार्डों की स्थिति खराब बनी हुई है। लोगों का ये कहना है कि वार्डों में किसी प्रकार की कोई दवा का छिड़काव नहीं किया जा रहा, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे शहरी क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा हम टेमोफास का घोल डलवा रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी के स्पॉट्स बने हुए हैं वहाँ पे, और हमारे मलेरिया निरीक्षक के द्वारा भी इसका सुपरविजन किया जा रहा है और लगातार कर रहे हैं। नहीं, आपके द्वारा किया जा रहा है कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा जो है दवा छिड़काव से लेकर के अन्य कार्य जो है विभाग के द्वारा करवाए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी वार्ड में किसी आशा कार्यकर्ता ने आज तक इसको लेकर कोई कार्य नहीं किया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो कहना झूठी है कि कर रही है आशा कार्यकर्ता, हमारे पास उसका प्रूफ आ रहा है, अभी उनके फोटो आ रही है जहाँ पे जैसे जिस वार्ड में वो कर रही है।